दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 12 जनवरी 2023 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 11 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए आवेदन करने का सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। इनमें कुछ भर्तियां ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है 10वीं और 12वीं पास के लिए। आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में भी यहां पर बिना एग्जाम की सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 12 जनवरी 2023 की 11 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर कॉन्स्टेबल और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। टोटल 7244 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जाए तो इसमें यहाँ पर कॉन्स्टेबल के लिए टोटल 6433 वैकेंसीज निकली है। कॉन्स्टेबल मेल के लिए 4310 वैकेंसीज है। इसमें UR के लिए 2691 पद है, EWS के लिए 468, OBC के लिए 239, SC के लिए 673, ST के लिए 239 वैकेंसीज है। फीमेल के लिए इसमें यहाँ पर 2123 वैकेंसीज है। इसमें UR के लिए 1324 पद है, EWS के लिए 231, OBC के लिए 118, SC के लिए 331, ST के लिए 119 वैकेंसीज है। MTS के लिए टोटल यहाँ पर 811 वैकेंसीज निकली है। इसमें UR के लिए 381 पद है, EWS के लिए 80, OBC के लिए 270, SC के लिए 23, ST के लिए 57 है। तो दोस्तों बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए शुरू होगी फरवरी 2023 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की मार्च 2023 में है। 25,500 से 81,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और MTS के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष है, MTS के लिए 18 से 27 वर्ष है। फीस यहां पर ₹100 है। SC ST PHA और फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर यहां पर बात की जाए तो इसमें आपका चयन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। dillipolice.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आयकर विभाग के अंतर्गत ये भर्ती यहाँ पर निकली है। पोस्ट इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। वैकेंसी आप नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 फरवरी 2023 है। सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 9,300 से 34,800 है। टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 5,200 से 20,200 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष है, टैक्स असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 18 से 27 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पोर्ट ट्रायल के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो।
ऑल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। incometaxindia.gov.in और tnincometax.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ICF रेलवे में, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे, रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है स्पोर्ट कोटा की, जिसके अंतर्गत पोस्ट है सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी, जहां आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 फरवरी 2023 है। सैलरी लेवल 2 और 5 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। सीनियर क्लर्क के यहां पर डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर क्लर्क के लिए 12वीं पास, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। बात अगर यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये है। SC ST EX सर्विसमैन PWBD वोमैन यानी कि फीमेल EBC को 250 रुपये शुल्क जमा करना होगा। बिना एग्जाम के भर्ती है, ट्रायल और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। pb.icf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना, साथ ही साथ 510 आर्मी बेस वर्कशॉप के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ITI अप्रेंटिस, डिग्री अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट है। 181 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर लास्ट डेट की जाए तो ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट 23 या 30 मार्च 2023 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन 10th ITI से आप ITI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा से आप डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indianarmy.nic.in और joinindianarmy.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट में, होमगार्ड विभाग के अंतर्गत होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती है। 3842 वैकेंसीज है। आवेदन इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 12 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 11 फरवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 11 फरवरी 2023 है। 693 प्रतिदिन के लिए सैलरी है। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जनरल या OBC कैटेगरी के लिए 250 है, SC ST EWS MBC के लिए 200 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्वालिफिकेशन, ओरल पर्सनैलिटी टेस्ट, मेरिट लिस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है home.rajasthan.gov.in। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक की भर्ती है। 113 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 फरवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 फरवरी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट 23 अप्रैल 2023 है। सैलरी 45,960 से 1,24,150 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 39 वर्ष है। फीस प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए 320 है। अनएम्प्लॉयड को फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन तेलंगाना है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। tspsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की भर्ती है, 1564 वैकेंसी है, इसमें मेल के लिए 1152 पद है, फीमेल के लिए भी 412 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 12 जनवरी 2023 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 फरवरी 2023 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 फरवरी है। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। जीएनएम या बीएससी होनर्स या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फीस है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी दिव्यांग जो उत्तराखंड स्टेट के हैं उनके लिए 150 है, जो कि आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। मेरिट से चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। UKMSSB.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है सब इंस्पेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, असिस्टेंट ट्रेजरर, लैब असिस्टेंट, फील्ड आर्टिस्ट, और भी पोस्ट है। 227 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 12 जनवरी 2023 है, लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 22 जनवरी 2023 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 25 जनवरी है, एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 12th डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहां पर बात की जाए तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये है, एससी बीसी डब्ल्यूएस के लिए 250 है, पीएचपीडब्ल्यूडी के लिए 500 है। ईएसएम को 200 फीस जमा करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है SSSB.punjab.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब निकली है वो निकली है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग HPSC के अंतर्गत ये भर्ती है। मेडिकल ऑफिसर MO की पोस्ट है। 120 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 12 जनवरी 2023 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 फरवरी 2023 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 फरवरी 2023 है। 56,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिग्री मेडिसिन और सर्जरी से आप अप्लाई कर सकते हो। 22 से 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मेल कैंडिडेट जनरल रिजर्व ईएक्स सर्विसमैन के लिए 1,000 है, फीमेल एससी बीसी एसएम ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 250 है। ऑल पीएच जो हरियाणा के हैं केवल उनको फीस जमा नहीं करनी होगी। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। HPSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब निकली है वो निकली है MPPEB के अंतर्गत, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अंतर्गत ये भर्ती है। ये भर्ती होगी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HSTET 2023 के माध्यम से। वैकेंसीज आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 12 जनवरी 2023 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 जनवरी 2023 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 27 जनवरी है, करेक्शन की लास्ट डेट 1 फरवरी 2023 है, एग्जाम डेट 1 मार्च 2023 है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। मास्टर डिग्री BEd से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। फीस जनरल या अदर स्टेट के लिए 660 है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 360 है, जो कि आप कैश डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा, ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। pb.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है टाटा मेमोरियल सेंटर TMC में,
लो डिवीजन क्लर्क एलडीसी अटेंडेंट ट्रेड हेल्पर नर्स की पोस्ट है। 405 वैकेंसी जहां पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन करने की इसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो 10 जनवरी थी उसको बढ़ाकर अब 20 जनवरी कर दिया गया है। सेली एलडीसी पोस्ट के लिए 19,900 है, अटेंडेंट ट्रेड हेल्पर के लिए 18,000 है, नर्स ए के लिए 44,900, नर्स बी के लिए 47,600, नर्स सी के लिए 53,100 है। 10th-12th डिग्री डिप्लोमा जीएनएम बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा 25, 27, 30, 35, 40 वर्ष है। फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 300 है। SC/ST फीमेल PWD EX सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। tmc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 12 जनवरी 2023 बुधवार की गुरुवार की टॉप 11 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।